आसाम का नाम रोशन करोगे? यस टीम है, वेरी गुड। ईमान दादा आपसे बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छा है यार, हिम्मत चाहिए। तो गाइस लग रहा है आगे रास्ता जाम है। तो गाइस रास्ते देखो, रास्ते ऊपर से गिरा हुआ था जिसको पूरा साइड किया गया है और अभी भी हल्का हल्का गिर रहा है, साफा हो रहा है अभी रास्ता। क्या हो गया प्रदीप भाई? कुछ नहीं भाई, ये हेलमेट तो लगाया है इधर। अच्छा, तो देखो इधर भूस्खलन हुआ था जिसके वजह से सारा जबरा जो है साफा किया जा रहा है, पत्थर तोड़ तोड़ के डंपर से साइड किया जा रहा है और यहाँ पर पूरा जबरा से भर गया था, अभी ये साइड हुआ है। ये ऊपर से पूरा भूस्खलन हुआ है और इस रास्ते में बहुत ट्रिक्स है अभी। वेरी गुड। कितना टाइम लगा हम लोग का? लमसम लग गया, आज 25 तारीख को हम लोग निकले थे तो आज कितना हो गया, 26 हो गया हमारा। 26 डेज हाँ जा कर रहे हैं हम लोग, चारों धाम पूरा करेंगे साइकिल। क्या बात है, वेरी गुड। आसाम का नाम रोशन करोगे? यस टीम है, वेरी गुड। बस हम लोग दो ही बंदे, दूसरा वो देखा मैंने पहले, दो दिन आप रुके थे ना, बस पै 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 करके आ रही थी आपको। हम वही बोल रहे थे, देखो बस की हालत खराब हो रही है, रो रो के जा रही है बस। रो रो के जा रही है, नहीं सभी जा रहे हैं, रो रो के हम लोग भी जा रहे हैं, गाड़ी भी जा रही है, जो लोड गाड़ी है तो सिर्फ फट जा रही है। जिधर जगह मिलेगा उधर। हाँ अभी हम लोग ढाबे के उधर रुक जा रहे हैं, तो मंदिर वाला तो मंदिर के उधर रुक जा रहे हैं। उधर तो दिकदारी नहीं हुई आपका, हरिद्वार तक तो हमारे दिकदारी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पहाड़ियों पर तो दिकदारी वैसा कुछ नहीं है। मंदिर मिल जा रहा है, ढाबा मिल जा रहा है रहने के लिए, वो लोग बोल रहे हैं कि रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंट वेंट है हमारा का। हाँ, टेंट है, दिक्कत नहीं बना है। बढ़िया है। क्या नाम क्या आपका? रोशन टॉक। आप लोग कहाँ से हो? सब एक ही जगह से हो? एक ही जगह से, सब मुंबई से। सब मुंबई ना? अमची मुंबई। चलो मैं कभी आऊंगा। बिल्कुल, ईमान दादा आपसे बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छा है यार, ग्रेट हिम्मत चाहिए। 25 मतलब और आपका अभी और 15 दिन पक्का, ज्यादा ही लगेगा क्योंकि अभी पहाड़ियों में हम लोग का ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर 25 30 लास्ट कल हम लोग का गया था 42, कल हम लोग का 42 गया था, 42 किलोमीटर, वो भी मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। तो एट अ स्ट्रेच मतलब 42 किलोमीटर तक साइकिलिंग किया। हाँ, ब्रेक ले लेके, ब्रेक ले लेके, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग जो खा रहे हैं तो 5 किलोमीटर जा रहे हैं, हजम हो जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में हम लोग मतलब खाने वाने के लिए फ्रूट ले रखे हैं, अभी तो हर जगह तो रोटी चावल तो नहीं मिलेंगे, वैसा चीज खाएंगे तो फिर पेट भी खराब हो जाएगा, इसलिए हमने फ्रूट वगैरह ले रखे हैं। पानी सिप मारते रहेंगे ना। थैंक यू भैया, आप सभी को थैंक यू जो आप लोगों ने इतना सारा मोटिवेट दिया हम दोनों को, और बिकॉज हम लोग मोटिवेट के कारण ही जा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, हमारी प्रार्थना आपके साथ है। थैंक यू भैया। तो गाइस लग रहा आगे रास्ता जाम है। ओ भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो रास्ता ब्लॉक था, यहाँ पे जेसीबी साफा कर रहा था। ओ, 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 ओ। क्या रास्ता है भाई, वाह डेंजर। पूरा कपड़ा भर गया हमारा तो। रास्ता देखो कितना गंदा रास्ता है भाई, डर भी लग रहा है इसमें चलाने के लिए। तो गाइस अभी हम रास्ते में जा रहे थे, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसे तोड़ कर जो है गिट्टी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है उसे तोड़ कर जो है गिट्टी बनाया जा रहा है, जो कि रास्ते बनाने के काम में आएंगे। तो गाइस अभी हमें इस तरह से जाकर देन वो पहाड़ी पे, सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पे जाना है, वो वहाँ पे जाना है। बहुत चढ़ाई है भाई, हालत हो रही है पूरी ख़राब। पैदल जा रहे हैं हम लोग, साइकिल को ठेल ठेल कर, और साथ में ना तेज़ हवाएं भी है,
जिसकी वजह से हमारी फट रही है। और ये देखो ऊपर से पत्थर गिरा, इसके ऊपर से संभल कर चलना पड़ेगा हमें। अभी टाइम हो चुका है इवनिंग का 5:10। आज हम लोग कहाँ रुकेंगे कोई ठीक नहीं है, बिकॉज इधर कोई ढाबा नहीं दिख रहा है हमें। अभी हम हैं रटवारी में और यहाँ पर कर रहे हैं शाम का भोजन। भूख लग गई है पहाड़ के अंदर के, तो हम और प्रदीप अभी वही कर रहे हैं। भूख बहुत जल्दी जल्दी लग रही है। और आज रात को कहाँ रुकेंगे वो भी ठीक नहीं है, टाइम हो चुका है 6। तो गाइस उधर से हम लोग नाश्ता वगैरह करके, मतलब नाश्ता मतलब 3 रोटी ये खाया, 3 रोटी हम खाया वो खाकर, देन थोड़ा सा हम लोग पहाड़ ढला, उसके बाद हम लोग आ गए हैं कमांड गंगोत्री रोड राणा भोजनालय के पास। आज हम स्टे करेंगे, रात को हम यहीं पर रुकेंगे, खाना वाना यहीं पर खाएंगे अंकल जी के पास में, और कल सुबह हम लोग वापस से निकलेंगे। आज हम लोग कितना आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 40 किलोमीटर के आसपास आए होंगे। हम लोग को सबसे ज़्यादा टाइम कब लग गया पहाड़ चढ़ने में, उतरने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा, देन उसके बाद एक आध जगह हम लोग रुक गए, उसके बाद जो है थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आज हम लोगों ने 48 किलोमीटर आया है। कितना? 48। यस, मतलब भाई हालत ख़राब हो रखी है, हम लोग ज़्यादा जा ही नहीं पा रहे। ये हम लोग का बहुत मतलब गर्व की बात है, पहाड़ पे वो भी, पहाड़ पे वो भी। अभी एक बंदा हम लोग को बोल रहा था कि वो एक ऑफिसर था, वो एक दिन में 25 किलोमीटर चलाता था इधर, मतलब माउंटेन पहाड़ में हिल एरिया में, और उनका साथ गाइड रहता था, और हम लोगों के पास कोई गाइड नहीं है, हम लोग खुद जा रहे हैं अकेले। एक और बात है, हिल एरिया में ना काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज कहीं पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, और कहीं कहीं तो भाई पहाड़ का वो टुकड़ा पत्थर भी गिरता है, तो वो सब बचा कर चलना पड़ता है। रास्ते में हम लोगों को मतलब एक ऐसा भी मिला कि वहाँ पर रास्ता साफ कर रहा था, और हम लोग को वहाँ पर आधा घंटा जैसा रुकना पड़ा। हाँ, आपको खाना खाएंगे, देन उसके बाद टेंट लगाएंगे, उसके बाद सोएंगे। तो ये है एक होम टाउन, क्या है कमांड बोल के इस जगह का नाम है, और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे सामान आप लोग को मिल जाएंगे ज़रूरत के। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है रात का 9, और अब हम करेंगे डिनर और वहीं पर सोएंगे जहाँ हमारा साइकिल लगा था। सो गाइस तो हमने खाना खा लिया, एंड अभी रात के हो रहे हैं 10:10, और हमने यहाँ पर अपना टेंट लगा लिया है, और प्रदीप जा रहा है अभी अंदर, देन उसके बाद हम अपना सारा सामान को बंद करेंगे, उसके बाद हम भी जाएंगे। अगर आपको ये वाला ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी हम एक कमांड में, और यहाँ से हम लोग जाएँगे उत्तरकाशी के पहले से ही यमुनोत्री के लिए कट जाता है, तो पहले हम लोग वहाँ जाएँगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्यारा से लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।